शरीर के अनचाहे बालों को हटाने के लिए हम लोग तरह तरह की रेमेडी ट्राई करते हैं। बाजार से बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट भी लेकर आते हैं दोस्तों, परंतु फिर भी हम शरीर के अनचाहे बालों से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे आप सप्ताह में एक बार लगाएंगे ना, आपको तुरंत ही इसका अंतर महसूस होगा। आपके छोटे छोटे चेहरे पर जो रोए हैं, जो अनवांटेड हेयर हैं, फेशियल हेयर हैं, वो बहुत आसानी से आप अलग कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपके चेहरे से टैनिंग को भी हटाएगी, कालेपन को भी हटाएगी, चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर होंगे और 100% नेचुरल और इजी रेमेडी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑरेंज पिल ऑफ मास्क। ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही सस्ता आता है। ये पाउच आप देख रहे हैं, मात्र 10 रुपये का ये पाउच है। पहले बार के इस्तेमाल के लिए एक पाउच लेकर आएँ ऑरेंज पिल ऑफ मास्क का, और फिर आप इसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सारे डेड सेल को रिमूव करेगा और अपने साथ सारे अनचाहे बालों को भी रिमूव करेगा। लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए ताकि ये रेमेडी हमारे चेहरे पर वर्क कर सके। हाथ पैरों के बालों को तो चलिए हम लोग वैक्सिंग से हटा लिए, हम लोग किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम। चेहरे की त्वचा हमारी बहुत सॉफ्ट होती है। चेहरे की त्वचा पर ना हमें वैक्सिंग कराना चाहिए, ना ही ज़्यादा ब्लीच कराना चाहिए। ब्लीच कराने से हमारे चेहरे पर बहुत जल्दी कालापन आने लगता है, सांवलापन आने लगता है। वैक्सिंग कराने से, थ्रेडिंग कराने से हमारी स्किन लूज होने लगती है, और शेविंग का तो हम सोच भी नहीं सकते। और भी ज़्यादा काले काले बाल आते हैं, बालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑरेंज पिल ऑफ मास्क लिया है पहला। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर लूँगी दोस्तों, कॉफ़ी। आपको यहाँ लेना है 1 चम्मच कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो कैफीन होता है ना, ये कैफीन हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। कॉफ़ी हमारे चेहरे के सारे दाग धब्बों को दूर करती है, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, झुर्रियों को दूर करती है। हमारे चेहरे पर बहुत अच्छी शाइन लेकर आती है कॉफ़ी, इसलिए हम इसमें कॉफ़ी ज़रूर मिक्स करेंगे। तीसरी चीज़ जो कि हमें यहाँ पर मिक्स करना है, कुछ बूंदे नींबू के रस की, आधा चम्मच, बस ज़्यादा ना डालें, आधा चम्मच लेमन जूस ज़रूर डालें। नींबू का रस एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, हमारी त्वचा पर प्राकृतिक तरीके से गोरापन लाता है। विटामिन सी से भरपूर होता है लेमन जूस, हमारे स्किन को भी हेल्दी बनाता है लेमन जूस। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टुकड़ा ही लेमन का लिया है। बहुत से लोगों को ज़्यादा लेमन सूट नहीं करता है, तो आप 1/4 पीस लेमन का ज़रूर डालें। एक साफ बोल ले लिया है, सूखा बोल लेना है, जिसमें डालना है आपको एक पाउच मैंने यहाँ पर कॉफ़ी का डाला है। आप किसी भी कंपनी का, जो भी कॉफ़ी आप लोग पीते हैं, आप उस कॉफ़ी का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, चेहरे की त्वचा का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी जो त्वचा है, त्वचा पर स्क्रब भी होगा, डेड सेल टैनिंग दूर होगी, कालापन दूर होगा, रंग आपका साफ होगा, मुहासे, एक्ने, फोड़े, फुंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। कॉफ़ी जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और हमारे स्किन को हेल्दी बनाती है। कॉफ़ी का पैक त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यदि आपके केवल होठों के ऊपर बाल हैं, आप वहाँ लगाएं, वैसे पूरे चेहरे पर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चेहरे पर भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे रोए बाल तो होते ही हैं और ये हमारी सुंदरता को कम करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑरेंज पिल ऑफ मास्क डाला है। आप पाउच वाला ऑरेंज पिल ऑफ मास्क लें, एक पाउच का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि पूरे चेहरे पर लगाना है। कॉफ़ी लिया है, कुछ बूंदे ही मैंने यहाँ पर लेमन जूस की डाली है, पर लेमन जूस ज़रूर डालें, तभी आपका त्वचा का कालापन तेज़ी से दूर हटेगा दोस्तों। ये इतनी फ़ायदेमंद है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। आसानी से आप अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, और आपके चेहरे से सारे जब डेड सेल रिमूव होते हैं ना दोस्तों, तो स्किन में बहुत अच्छी चमक आती है। चलिए अब इस पैक को आपको अपने चेहरे पर लगाना है। मैंने इस ट्यूब में जितना भी था ले लिया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो ताकि चेहरे पर अच्छा लगा सकें। बहुत इसे पतला नहीं करना है कि आप सोचें हम आधा नींबू का रस डाल दें, इसे पतला नहीं करना है, इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसे कम से कम 10 से 12 मिनट पूरे लगते हैं सूखने में, हो सकता है 15 मिनट का भी टाइम लग जाए इसे सूखने में। जब ये हल्का सा सूखेगा ना, आपको एहसास होने लगेगा कि इसकी परत, इसकी लेयर अलग होने लगी है, किनार छोड़ने लगी है। बस फिर आपको इसे खींचते हुए निकालना है ताकि आपके सारे डेड सेल रिमूव हो।
आपके चेहरे पर जो छोटे छोटे से फेशियल हेयर हैं, अनवांटेड हेयर हैं, वो भी इस पैक को उतारने के साथ ही साथ उतर जाएंगे। चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी। मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी का होना बंद होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है कॉफ़ी का। ये देखिए, इस तरह से मेरी बेटी इसे अपने पूरे चेहरे पर लगा रही है। और जितना हो सके प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें दोस्तों, कभी भी आप केमिकल वाले किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, खासकर चेहरे की त्वचा के लिए। और पूरे चेहरे पर आप इसे लगाने के बाद 12 से 15 मिनट का टाइम आपको लग सकता है। इससे आपके चेहरे पर जल्दी रिंकल्स नहीं आएंगे और चेहरे के सारे जो मृत कोशिकाएं होती हैं, डेड सेल, वो सारी चीज़ें अलग होंगी। आपकी स्किन में कसाव बना रहेगा। लंबे समय तक आप इस पैक का इस्तेमाल करके जवान बने रहेंगे, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। और वैसे भी दोस्तों, चेहरे पर हमारे अनचाहे बाल होते ना, तो हमें बड़ा ख़राब लगता है। और इसे हटाने के लिए हम लोग बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, कई चीज़ें बहुत गलत भी होती हैं और हमारी सुंदरता को भी कम कर देते हैं ये अनवांटेड हेयर। तो इस पैक को मेरी बेटी ने लगा लिया। अब आप देख सकते हैं, पूरे मैंने 12 मिनट तक के इसे ऐसे ही रखे रहने दिया। देखिए किनार कैसे कैसे अलग होने लगा है। 12 से 15 मिनट का पूरा टाइम लग जाएगा आपको इसे सुखाने में, अपने आप ही ये अलग होने लगता है। देखिए, हल्का सा खींचना, ऐसा ना सोचें कि कोई दर्द होता है, आसानी से ये रिमूव हो जाता है। और जैसे जैसे ये हटता जाएगा ना, आपके चिन पर जो बाल होंगे वो इसमें पूरे चिपक जाएंगे, होठों के ऊपर जो बाल होंगे ना, छोटे छोटे रोएं, वो पूरे चिपक जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर हैं और कुछ बाल अगर रह गए हैं, तो इस रेमेडी को 5-6 दिन बाद वापस आप रिपीट करें, तो जो बाल रह गए हैं वे भी रिमूव हो जाएंगे। बहुत सेफ, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर की है। इसके बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें, कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी क्रीम आप अपने चेहरे पर लगा लें। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? सभी एज ग्रुप वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।